दिल्ली के चुनावी दंगल में बसपा सुप्रीमो मायावती। तो सीधा लिए चलते हैं आपको दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम। खासकर सरकारी नौकरियों में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं, तो उसे शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियां प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई है। और यही मुख्य वजह है कि देश में आज़ादी के बाद यहाँ सबसे पहले वह काफ़ी लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने और अब वर्तमान में बीजेपी की केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी इनकी सरकारों ने तो इन वर्गों का आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ के दिल्ली प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से खासकर कांग्रेस व बीजेपी के अंदरूनी मिलीभगत से ही अब यहाँ सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के पदोन्नति में आरक्षण को भी काफ़ी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और अब तो इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ मैं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि इन्हें भारतीय संविधान के तहत आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र में कांग्रेस पार्टी के रही सरकार में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, जिसे इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के प्रति भी अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते हुए इसे लागू नहीं किया था, जिसे फिर लागू करवाने के लिए हमारी पार्टी को पूरे देश भर में काफ़ी कड़ा संघर्ष भी करना पड़ा है। हालांकि इस पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी ये नहीं चाहती थी कि इन वर्गों के हितों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो और इन्हें भी यहाँ एससी व एसटी की तरह आरक्षण की सुविधा मिले। ऐसी स्थिति में फिर हमारी पार्टी ने अपने अथक प्रयासों से ही यहाँ मंडल कमीशन की रिपोर्ट को श्री बीपी सिंह की सरकार के समय में इसे लागू करवाया था, जिसकी काफ़ी कुछ जानकारी वैसे आप लोगों को भी है, उसे यहाँ मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। इसके साथ साथ फिर उसी दौरान बीएसपी की खास वजह से ही इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी इनकी ही सरकार में अर्थात श्री बीपी सिंह की ही सरकार में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जबकि इससे पहले काफ़ी वर्षों तक केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने इनको इस उपाधि से सम्मानित नहीं किया था। इससे भी इनके शुरू से ही हमारे खासकर दलित महापुरुषों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसके साथ ही इन वर्गों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए बने कानूनों को भी अब इन्हीं विरोधी पार्टियों की सरकारों ने काफ़ी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया है, जिससे अब इन वर्गों के ऊपर अन्याय व अत्याचार करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ गया है और अभी भी इनका बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके दिल्ली प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में
मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और अब तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने CAA व NRC आदि के जरिए भी खासकर यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों का जीना और भी ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी हालत अभी भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ के दिल्ली प्रदेश में भी सब समाज में से विशेषकर गरीब, मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी, कर्मचारी एवं अन्य मेहनत कश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी व पीड़ित ही नज़र आते हैं। और इनमें भी किसानों की हालत तो यहाँ सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। और इन सब का मुख्य कारण हमारी पार्टी केंद्र व अधिकांश राज्यों में, देश के अधिकांश राज्यों में तथा यहाँ आपके दिल्ली प्रदेश में भी अब तक रही सभी सरकारों की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली को ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार मानकर चलती है। और खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही अभी भी यहाँ आपके प्रदेश सहित पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जबकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों की सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने के बजाय यहाँ गरीब व आम आदमी का ही विकास होना चाहिए, तभी फिर सही मायने में यहाँ की जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और सभी समस्याओं से भी काफ़ी हद तक मुक्ति पा सकती है। इसके साथ साथ पिछले कुछ वर्षों से अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिससे आपका खुद का अपना दिल्ली प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। लेकिन इन सब का मुख्य कारण हमारी पार्टी आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा यहाँ के खुद के अपने दिल्ली प्रदेश में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, BJP व इन जैसी अन्य और पार्टियों के जिसमें यहाँ आम आदमी पार्टी भी शामिल है, इनके हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक व अन्य सभी नीतियां यहाँ आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज़्यादातर ये पार्टियां केंद्र व राज्यों में तथा आपके अपने खुद के दिल्ली प्रदेश में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में वे आपके खुद के अपने दिल्ली प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान ही नज़र आते हैं। जबकि पूरे देश में BSP ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों
व धरना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर या केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आज़ाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर खुशहाल बना सके और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में चार बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में यहाँ सरकार बनाई है और हमने अपनी चारों रही सरकारों में तो वहाँ अपनी पार्टी के विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर ही तो यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित इस सरकार चलाई है। लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को तथा गरीब व असहाय लोगों को ही दी है, जिनकी वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन जातिवादी संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। और आप लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ वर्षों से तो कभी बीजेपी और अब तो कांग्रेस पार्टी ने इसको चुनावी मुद्दा बना लिया है कि जो गरीब और बेरोजगार लोग हैं वो सत्ता में आएंगे तो उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहाँ जाकर बेरोजगार लोगों से आप लोग पूछो गरीबों से कि उनको कितना बेरोजगारी भत्ता मिला है। तो ये केवल गरीब और बेरोजगार लोगों का वोट लेने के लिए इस किस्म का ये चुनाव में आश्वासन देते हैं, लेकिन हमने कभी भी ऐसा आश्वासन नहीं दिया। बल्कि जब हमें उत्तर प्रदेश में चार बार सरकार चलाने का मौका मिला तो हमने उत्तर प्रदेश में वहाँ गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता ना देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में हमने स्थायी रोजगार उपलब्ध कराए, उनको रोटी रोजी के साधन दिए ताकि वो किसी के ऊपर मोहताज ना रहे। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों युवाओं महिलाओं वे बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण। तो आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती दिल्ली में चुनावी रैली कर रही हैं और दिल्ली में बीएसपी को लेकर लोगों के बीच हुंकार भर रही हैं। आपको बता दें कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने यहां पर लगातार 60 सालों तक राज किया है,